श्री किरंतन, प्रकरण दो, राग श्री मारू, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, त्रिगुण स्वरूप खोजत भये विस्मय, पर अलख न जाय लखाया। हे संत जनो, अति सूक्ष्म बिंदु रूपी ब्रह्मांड में अनंत पर ब्रह्म रूपी सागर अपनी सत्ता से विराजमान है। सत्व, रज तथा तम के प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उसे खोजते खोजते आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन वह अलख अज्ञे किसी को भी प्राप्त नहीं हो सका। भावार्थ, इस जगत में ब्रह्म अपने स्वरूप से नहीं बल्कि सत्ता से विराजमान है, इसलिए त्रिदेव भी इस जगत में उसका साक्षात्कार न कर सके। इस चौपाई में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिगुण इसलिए कहा गया है कि उनमें एक एक गुण की प्रधानता है, अन्यथा संसार के प्रत्येक प्राणी में सत्व, रज और तम कम या अधिक मात्रा में अवश्य रहते हैं। मन, चित्त, बुद्धि तथा इंद्रियों से परे होने के कारण ब्रह्म को अलग कहा जाता है। वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया, खबर न परी बिंद उपज्या कहां थे, ताथे नाम निगम धराया। वेदों ने जब ब्रह्म को मन वाणी से परे पाया तो नेति नेति के रूप में वर्णन किया। जब ये भी पता नहीं चल पाया कि ये ब्रह्मांड रूपी बिंदु कहां से पैदा हुआ है तो उन्होंने स्वयं का नाम निगम रखा। भावार्थ, चारों वेदों में कहीं भी नेति शब्द नहीं है। श्रीमुख वाणी में वेद शब्द से केवल मूल संहिता भाग का ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथों का आशय है। वस्तुतः वेद के व्याख्यान ग्रंथों ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा दर्शन ग्रंथों में ब्रह्म के लिए नेति शब्द का प्रयोग किया गया है। इन्हीं ग्रंथों को निगम भी कहा गया है। मनुस्मृति के छठे अध्याय में कहा गया है, निगमांश्च वैदिकान। इससे ये स्पष्ट होता है कि निगम शब्द वेदों के व्याख्यान ग्रंथों के लिए ही प्रयुक्त होता है, मूल संहिताओं के लिए नहीं। श्रीमुख वाणी में प्रयुक्त जो नेत नेत कहया निगमे सब लगे तीन शब्द, खुलासा प्रकरण दो, चौपाई 33। निगमे गम कही ब्रह्म की, सो क्यों समझे ख्वाबी दम, फिरे जहां थे नारायण, नाम धराया निगम सनंद। से भी स्पष्ट है कि निगम शब्द वेदों के व्याख्यान ग्रंथों के लिए ही है। हकेन आसिक नाम धराया, वाको भी अर्थ ए सिंगार। से ये स्पष्ट है कि नाम धरने का तात्पर्य स्वयं के संबोधन से है। असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर अखंड किने न बताया, नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने न देखाया। इस झूठे जगत में सभी भूले रहे, अक्षर की पंचवासनाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अखंड धाम की पहचान नहीं हो पाई। यह सारा जगत मोह, अज्ञान, नींद का है और सभी लोग इसी में भटक रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस मायावी नींद को छोड़कर जागृत नहीं हो पा रहा है। सुपन की सृष्ट वैराट सुपन का झूठे सांच ढंपाया, असत आपे सो क्यों सत को पेखे, इन पर पेड़ न पाया। ये संपूर्ण जगत स्वप्न के समान अस्थिर, परिवर्तनशील और नश्वर है। इसमें निवास करने वाली जीव सृष्टि भी स्वप्न मई है, किंतु ब्रह्म सृष्टि भी इस जगत में अपने को भूल गई है। मायावी जीव महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाने वाले हैं। भला वे अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे करें? इन्हें जगत के मूल कारण का पता नहीं है। खोजी खोजे बाहर भीतर, ओ अंतर बैठा आप, सत सुपने को पार्थी पेखे, पर सुपना न देखे साक्षात। ब्रह्म की खोज करने वालों ने पिंड, शरीर और ब्रह्मांड में बहुत खोजा,
लेकिन वो मिल नहीं सका। पर ब्रह्म का अखंड स्वरूप तो इस पिंड ब्रह्मांड से परे परमधाम में है, जहां ब्रह्म सृष्टियों के भी मूल तन है, और वे वहां से ही सुरता आत्म दृष्टि द्वारा इस खेल को देख रही है। किंतु स्वप्न के जीव उस परब्रह्म को साक्षात नहीं देख पाते। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयाना। ये संपूर्ण जगत भ्रम का ही विस्तार है। भ्रम के स्वरूप से भ्रम का स्वरूप भ्रमित हो रहा है, अर्थात आदिनारायण अव्याकृत का स्वप्नमयी स्वरूप है, और सभी जीव आदिनारायण के अंश रूप है। इस मायावी जगत में जीव प्रकृति से परे की शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वे सर्वथा भटकते ही रहते हैं। हे संत जनों, आप उस परब्रह्म की खोज कीजिए जो माया से सर्वथा परे अनादि परम धाम में विराजमान है। भावार्थ, अव्याकृत अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है। अव्याकृत के महाकारण में स्थित सुमंगला पुरुष स्वयं को स्वप्न में आदिनारायण के रूप में पाता है, जब तक चिदानंद लहरी पुरुष के व्यक्त स्वरूप सुमंगला पुरुष का स्वप्न समाप्त नहीं होगा, तब तक आदिनारायण और उनके अंशीभूत जीवों का भी भ्रम समाप्त नहीं होगा। मृग जलसो जो त्रिखा भाजे, तो गूर बिना जीव पार पावे, अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे। जिस प्रकार मृग तृष्णा के जल से प्यास नहीं बुझ सकती, उसी प्रकार बिना सद्गुरु की कृपा दृष्टि के जीव भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। सद्गुरु के द्वारा अखंड का ज्ञान पाए बिना भले ही कोई बहुत से ग्रंथों को पढ़ लेवे तथा तरह तरह की साधनाएं भी कर लेवे, तो भी वह स्वर्ग वैकुंठ या निराकार से आगे नहीं जा सकता। देख देखाई बाहर भीतर, ना भीतर बाहर भी नहीं। गुर प्रसादे अंतर पेख्या, सो शोभा बरनी न जाई। पिंड ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह सब स्वप्नवत मिथ्या है। इनके अंदर सच्चिदानंद पर ब्रह्म नहीं है। सद्गुरु की कृपा से जब आत्मिक दृष्टि से त्रिगुणातीत परमधाम में देखा जाता है, तो पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। साकार निराकार से भिन्न उनकी अनंत शोभा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सद्गुर सोई मिले जब सांचा, तब सिंध बिंद पर चावे, प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, तब बिंद अनेक उड़ावे। जब अखंड का ज्ञान देने वाले सच्चे सद्गुरु मिल जाएंगे, तब इस मायावी जगत तथा परब्रह्म की पहचान हो जाएगी। जब हृदय में परब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, तो आत्मिक दृष्टि अनंत ब्रह्मांडों से परे निजधाम में पहुंचेगी। महामत कहे बिंद बैठे ही उड़िया, पाया सागर सुख सिंध, अचरातीत अखंड घर पाया, ए निध पूरब सन्मंद। श्री महामती जी कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी जब आत्मिक दृष्टि नश्वर ब्रह्मांडों तथा निराकार बेहद से परे परमधाम में पहुंचती है, तो वो आनंद के अनंत सागर में विहार करने लगती है। अपने प्राणवल्लभ अक्षरातीत तथा निजघर की प्राप्ति मूल संबंध से ही होती है। प्रकरण 2, चौपाई 15। प्रेम प्रणाम जी।